वैसे बच्चों अभी तक हमने देखा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कोई भी फंक्शन दे रखा हो लास्ट वीडियो में कि अगर कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो उसको डिफरेंशिएट, अगर वो प्लस में पड़े हैं तो एक को अलग से कर लो, सेकंड को अलग से कर दो, दोनों को प्लस में कर दो, तो उसका डेरिवेटिव पता लग जाएगा। जैसे कि अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास यू प्लस वी होता या माइनस का साइन होता तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होनी थी, एफ ऑफ एफ डैश एक्स किसके इक्वल होना था, एफ डैश का मतलब सबको पता है डिफरेंशिएशन से है, यहाँ पे इसको हम डी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स के साथ में, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फंक्शन क्या होता था, इसकी वैल्यू होती थी जी कि इसकी फर्स्ट फंक्शन की कर दो प्लस सेकेंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दो और दोनों को प्लस माइनस में जिसमें भी दे रखा है वैसे लिख दो तो वो हो जाएगा। ऐसे ही हमने लास्ट प्रोडक्ट रूल देखा। अब हम देख रहे हैं कोशेंट रूल, मतलब जिसमें हमारा डिवाइड बाय में टर्म्स प्रेजेंट हो। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो भी डिवाइड बाय में टर्म नीचे वाली साइड पड़ी होगी उसका स्क्वायर लिख दो सबसे पहले, ठीक है। ये रूल है, रूल समझा रही हूँ मैं कैसे अप्लाई होता है। ये अगर आपको फंक्शन डिफरेंशिएट करना है और वो डिवाइड बाय में पड़ा है तो जो डिवाइड बाय में टर्म है उसको स्क्वायर कर दो। जैसे कि इसके डिवाइड बाय में v था तो नीचे आ गया v स्क्वायर, ठीक है जी। ऊपर क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट लिख दिया माइनस। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट फंक्शन माइनस के साइन के साथ है ना, और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे। सिंपल सा रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्या कि फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन हुई सेकंड को एज इट इज, माइनस सेकेंड की डिफरेंशिएशन हुई फर्स्ट एज इट इज, डिवाइडेड बाय में जो डिवाइड बाय में था उसका स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अब ये अप्लाई कैसे होता है, जैसे कि अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन है दिख रहा है सबको, यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन में अगर आप ध्यान दे पाओ तो ये अलग अलग फंक्शन है लेकिन डिवाइड बाय में पड़े हैं, डिवाइड बाय में पड़े हैं। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले रूल अप्लाई करना। रूल आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर रही हूँ और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर रही हूँ तो फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो ध्यान दो, कुछ बड़ी बात नहीं है, जो ऊपर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव चाहिए हमें इनटू मल्टीप्लाई में, क्या है जो नीचे वाली टर्म है वो सारी मल्टीप्लाई में पड़ी है अभी, ठीक है। माइनस नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन है, माइनस साइन आएगा यहाँ पे, याद रखना नीचे वाली टर्म का जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो उसके साथ माइनस साइन है, बस इतनी सी फंडा याद रख लेना। तो इसको क्या, इसकी डिफरेंशिएशन, मतलब अभी तो मैंने साइन के साथ समझाने के लिए ऐसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा है, तो ये साथ में क्या आ गया, ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो जो डिवाइड बाय में हमारे पास ये टर्म पूरी थी, इसका पूरी का स्क्वायर आ गया है। सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है वो पता लगा है हमें यहाँ तक, ठीक है। अब हम चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमें पता है यहाँ पे टू टर्म्स हैं, प्लस वाला फंडा लग जाएगा। अब देखो डिफरेंशिएशन जब फर्स्ट की होती है तो हमें दिख रहा है कि एक्स की पावर टू है, तो टू क्या आ जाएगा आगे हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, तो यहाँ पे टू थी, यहाँ पे क्या रह गई हमारी वन रह गई है, ठीक है। तो ये टू एक्स बन गया है प्लस वन, कॉन्स्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। इसको लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मल्टीप्लाई में नहीं है वो प्लस में है, दैट्स व्हाई नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। साथ में ये जो टर्म थी वो पूरी की पूरी पड़ी है, ठीक है। माइनस देख लो ध्यान से, इसकी डिफरेंशिएशन ये हुई है, जैसे कि एक्स की पावर एन की डिफरेंशिएशन फिर से याद करवा देती हूँ, एक्स की पावर एन माइनस वन होती है, तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर हम 2 है x की पावर में तो 2 आगे आ गया, x की पावर 2 माइनस 1 क्या बन गई हमारी, x की पावर 1 बन गई है, 1 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दैट्स व्हाई यहाँ पे 2x आया है, ठीक है। और ये वाली टर्म एज इट इज लिखी गई है। और लास्ट में अब हम देखें इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन का माइनस साइन था, इसको एज इट इज लिख दिया। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चों, अभी हमने लास्ट टाइम देखी थी लास्ट में कि अगर आपके पास, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो रही है, एक्स ये क्या बन गया, दो टर्म्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट हमारी, तो एक्स की डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गई एक तरह से, माइनस कांस्टेंट की तो जीरो ही होती है, कट गया आपस में और यहाँ पे क्या बन गया, वन बन गया है। तो वन लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, और डिवाइड बाय में जो टर्म थी उसका स्क्वायर है। तो ये सिंपल सा तुम्हारी डिफरेंशिएशन आ गई है। अगर आपको बाय चांस एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे शायद और क्लियर हो जाए तुम्हें थोड़ा सा। अगर आपका एक फंक्शन है उसकी ऊपर क्या है, ये भी एक x का फंक्शन है, ये भी एक x का फंक्शन है, तो हमें रूल पता है, हमें रूल क्या पता है कि फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन की जाएगी, सेकंड को एज इट इज लिखा जाएगा। माइनस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, माइनस सेकंड वाले की डिफरेंशिएशन होगी फर्स्ट वाला, एज इट इज लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय जो भी सेकंड वाला फंक्शन था उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो हमने सबसे पहला काम ही ये करना है, जब हमारे डिवाइड बाय में हो जो नीचे है उसको स्क्वायर करके लिख दिया।
अब करते हैं चलो ये वाला प्रोसीड काम। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगी, उसको मैंने साइन के साथ लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की वैल्यूज पुट आउट की, अभी कुछ नहीं किया। और सेकंड फंक्शन क्या था, कोस था, तो इसकी जगह कोस एक्स आ गया। सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन यानी कि हम कोस एक्स की यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन इसकी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो यहाँ पे क्या था, 3x की पावर 4 था। अब 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, वो एज इट इज बाहर आ गई है। ठीक है जी, अब हम x की पावर 4 के डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो n कितना है हमारा, 4 है। रेस्ट टू पावर क्या थी, 4 थी, एक कम हो जाएगी, 3 बचेगी। तो आंसर क्या आ गया, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 12 होता है। एक्स की पावर कितनी बन गई है, 3 बन गई। तो इसकी जगह इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई है। ठीक है, कोस को नहीं छेड़ा, कोस एज इट इज पड़ा है, माइनस। अब कोस को छेड़ रहे हैं क्योंकि पहले तो डिफरेंशिएशन नहीं की थी, अब उसकी करनी पड़ेगी। तो कोस की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, माइनस साइन एक्स होती है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, माइनस साइन एक्स, और इसको नहीं छेड़ा, जैसा था वैसा आ गया। ठीक है, और इसको भी नहीं छेड़ा, यहाँ पे इसका होल पावर था। तो हमें पता है ना कि एंगल की पावर लगाने नहीं बैठते हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर कर देते। तो हमने यहाँ पे कोस की पावर कर दी है। ठीक है जी, अब ये कितना हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस, प्लस बन गया, बाकी तुम्हारा आंसर था ही। ऐसे होते हैं कोशेंट रूल में भी। अब आपको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना दोनों में डिफरेंस भी पता लग गया होगा कि अगर आपके फंक्शंस डिवाइड में और मल्टीप्लाई में होंगे तो कैसे होंगे। तो ओके, थैंक्स।